में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो सड़क निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वो बयान भी वायरल हो रहा है जो मध्य प्रदेश में उन्होंने दिया था खराब सड़क निर्माण को लेकर, और इसके साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी थी और वहीं पर नया टेंडर निकालने की भी बात उनके द्वारा कही गई थी। अब इसी के साथ एक और नया वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक स्थानीय नागरिक अपने हाथों से ही सड़क को उखाड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 48 सेकंड का है, जिसमें रोड की गुणवत्ता इतनी खराब है कि व्यक्ति अपने हाथों से ही सड़क को उखाड़ देता है। अब ये वायरल वीडियो जो है वो बताया जा रहा है कि पीलीभीत जिले के पूरनपुर से भगवंतापुर गाँव का है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 3,80,00,000 रुपए की लागत से पूरनपुर से भगवंतापुर गांव की तरफ जाने वाली करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और बनाने का तरीका काफी घटिया है, जिसकी वजह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि ठेकेदार ने धूल पर ही गिट्टी मिलाकर इसमें डामर बिछा दिया है। सड़क की खराब क्वालिटी को दिखाने के लिए राहगीर अपने हाथों से ही सड़क की परत उधेड़ रहे हैं। अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है और इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें, नितिन गडकरी, 3,80,00,000 में बनी यूपी की अमेरिका जैसी सड़क। तंज कसते हुए ये कैप्शन लिखा गया है और नीचे ये वीडियो पोस्ट की गई है जो कि आप देख सकते हैं। ये रोड क्या? सरकार का पैसा। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं जहां पर इस प्रकार की घटिया क्वालिटी की जो सड़कें हैं वो शासन प्रशासन की जो भ्रष्टाचार की नीति है उसको उजागर करती रही है। अब इससे पहले नितिन गडकरी ने जो मध्य प्रदेश में बयान दिया था वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, और मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ने यह बताया था कि जबलपुर से मंडला के बीच में 400 करोड़ खर्च के साथ जो सड़क बन रही है उस काम से वो संतुष्ट नहीं है, और इसके लिए उन्होंने जनता से माफी भी मांगी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काम रोक दिया जाए और इसके बाद नया टेंडर निकाला जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। सुनिए क्या कुछ कहा था नितिन गडकरी ने जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आज शिलान्यास हुआ है, उसकी चर्चा भी हुई, उसकी फिल्म भी आपने देखी है। फगन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं, बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं। एक बात वो जो कहते थे मुझे, उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है उसमें बरेला से मंडला, ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर टू लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।